अब तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत बेंज के साथ मिलकर एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल हाल ही में इन्होंने देश की पहली इंटरसिटी लग्जरी हाइड्रोजन फ्यूल से बस को लॉन्च कर दिया। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी बस की टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, साथ ही में हम जानेंगे कि क्या वो 10 अमेजिंग ऐसे फीचर्स है इस बस के जो कि इसको पूरा हटके बना देती है, चाहे चाइनीज हो, यूरोपियन हो, कोई भी। और आखिरी फीचर सुनकर आप डेफिनेटली काफी शॉक हो जाओगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए प्लीज एंड तक बने रहिएगा। फाइनली रिलायंस ने इस बस को रिवील कर दिया है और इसकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भी पूरी भारत में बनी गई है। इसकी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट है। वही रेंज सुनकर सब शॉक रह जाएंगे, अगर एक बार आप इसमें हाइड्रोजन फ्यूल भर दो 400 किलोमीटर तक ये जा सकती है ऑन जस्ट वन सिंगल रिफ्यूल। कोचेस में भी तमाम सारे फीचर्स डाले गए हैं जो कि फ्यूचर रेडी इसे बना देती है। खैर बात करते हैं इस बस के टॉप 10 फीचर्स की। सबसे पहले तो इसकी पूरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भारत में ही बनाई गई है। सेकेंड, इसका बॉडी मटेरियल बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, पूरा कम्पोजिट मटेरियल है। थर्ड, इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। फोर्थ, इसमें तो हीट रिकवरी सिस्टम भी दिया गया है जो कि काफी कम बसेस में पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, ये बात करें रेंज इसकी काफी अच्छी खासी है, एक लॉन्ग रेंज 400 किलोमीटर की जो कि इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए तो बेस्ट है। सिक्स्थ, इसमें एमिशन के नाम से केवल टेल पाइप से पानी ही निकलता है और वो भी शुद्ध। सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो ऑपरेशंस इसमें काफी ज्यादा क्वाइट है, आपको शायद इसमें आवाज सुनाई देगी। एट पॉइंट की बात करें तो इसका इंटीरियर काफी ज्यादा सुंदर है, सीटिंग पर काफी ज्यादा खासा ध्यान रखा गया है, कुशनिंग एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है। नाइन पॉइंट की बात करें तो इसमें सभी वो एडवांस सेफ्टी फीचर्स लैस है जो आपको वर्ल्ड क्लास लग्जरी बस में देखने मिलेगी। और टेंथ पॉइंट, जिसका काफी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसकी प्राइस ऐसा नहीं है कि इतने सारे फीचर्स के साथ बहुत ही ज्यादा हाई होगी, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसकी प्राइस कंपेयर टू एनी इंटरसिटी बस काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। अगर हमें इसे मास स्केल करना है तो भी हम आराम से कर सकते हैं। वैसे आप बताइएगा कि आपकी पर्सनल क्या प्रेफरेंस है जब बात आती है इलेक्ट्रिक बसेस की वर्सेस हाइड्रोजन बसेस। एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर जो इसका है तो वो है कि इलेक्ट्रिक बसेस में आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा चार्ज करना पड़ेगा, बट हाइड्रोजन बस में आप सीधा फ्यूल भरिए हाइड्रोजन फ्यूल एंड यू आर गुड टू गो फॉर 400 miles। इसका पिकअप भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इनमें से आप कौन सी बसेस देखना पसंद करेंगे भारत में, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।